अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ हैंड केयर इन विंटर्स। इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ अक्टूबर और मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा जो है लिप्स, हैंड्स और फीट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और जो सबसे पहले एजिंग और वेदर चेंज का सबसे पहला फील जो होता है, जो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है, वो आपके हैंड्स और आपके पाँव और आपके लिप्स पर होता है। तो सर्दी की वजह से जो है, एक तो आपके नकल्स डार्क हो जाते हैं, दूसरा ये आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और हाथ बहुत ही ज़्यादा खुरदुरे से फील होते हैं, दूसरा ये कि आपकी नेल्स टूटने लगते हैं। तो आज आपके साथ में एक मिनी वेरी क्विक एट होम मैनिक्योर शेयर करती हूँ, जिससे आपके हैंड जो है वो इंस्टेंटली जो है सॉफ्ट और ब्राइटर फील होंगे। तो आपने ल्यूकोम वाटर ले लेना है। मेक श्योर कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म पानी से भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमने ल्यूकोम वाटर लिया है, उसमें आप अपनी पसंद का कोई भी शैम्पू डाल लें और थोड़ा सा कंडीशनर डालें, ताकि आपकी जो स्किन है, आपकी जो नेल्स है, वो थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा सा नरिश्ड फील करें। उसके बाद जो है आपको इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। अगर आप विनेगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट वो मेरी स्किन पे सूट नहीं करता। तो 15 मिनट तकरीबन अपने हैंड्स को इसमें सोक रखें और फिर उसके बाद जो है एक सॉफ्ट सा टूथब्रश लेके जो है आपने अपने नेल्स को राउंड सर्कुलर मोशन में जो है वो ब्रश करना है। नेल्स के अंडर भी ब्रश करें, ताकि जो भी गर्द मैल जो भी है आपके क्यूटिकल्स, वो सॉफ्ट हो जाए और डर्ट वगैरह जो है वो निकल जाए। फिर उसके बाद आपने फिर से हैंड सोक करने हैं और यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा। तो आपने ब्रश की मदद से जो है अपनी नकल्स को उसके साथ रब करना है। ये एज अ एक्सफोलिएंट काम करता है, आप कोई स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल नेचुरल। तो आपने जो है अपने नकल्स को बेकिंग सोडा से रब करना है। वंस इन अ वीक आपको अपने हैंड्स भी एक्सफोलिएट करने चाहिए, जैसे कि आपको अपना फेस एक्सफोलिएट करना चाहिए, जिससे आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो उतर जाएगी और आपके हैंड्स जो न्यू स्किन सेल्स जो है वो जनरेट होते हैं। अपने हाथों की मदद से फिर उनको अच्छे से रब करें और उसके बाद अगेन आप 5-10 मिनट्स के लिए अपने हैंड जो है वो पानी में सोक कर दें और फिर उसके बाद जो है अपने हैंड्स को आप अच्छे से टॉवल से ड्राई करें और कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपके पास अवेलेबल हो, जो थोड़ा सा ऑयल बेस्ड हो, ताकि आपकी स्किन को थोड़ा अच्छे से मॉइस्चराइज करे, थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने हाथों को अच्छे से उससे मसाज करें, ताकि जो मॉइस्चराइज़र है वो एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। अगर आप ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे वो इतना असर नहीं करेगा, अगर आप थोड़ी सी डैम स्किन पे लगाएंगे तो इट विल वर्क वेरी वेल। उसके बाद जो है अपने नेल्स की मदद से अपने क्यूटिकल्स को पुश करें, अगर क्यूटिकल पुशर नहीं है तो दिस मे वर्क फॉर यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जैसे कि आपके फेस के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आपके हाथों के लिए भी सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। हम यूजुअली इस स्टेप को अवॉइड कर देते हैं या भूल जाते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते, बट द सनस्क्रीन फॉर योर हैंड्स इज़ एज मच नेसेसरी एज फॉर योर फेस। और फिर जो है कोई भी अच्छा सा नेल पेंट जो आपको पसंद हो आप वो लगा लें एंड यू विल सी एन इंस्टेंट ग्लो ऑन योर हैंड्स। योर हैंड्स विल लुक सो फ्रेश एंड ब्यूटिफुल। और अभी मैं थोड़ा सा शो ऑफ करूँगी अपने हाथों को दिखा के। आप कोई भी अपनी पसंद की ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। यू कैन डू दिस मैनिक्योर वंस इन अ वीक और आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड बाय बाय।